हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सालिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, सर्दी के मौसम में खाने के साथ गर्मा गर्म सूप हम सभी को बेहद ही पसंद आता है, इसलिए आज हम ब्रोकोली आलमंड सूप बनाने वाले हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गैस की फ्लेम को स्लो रखकर हमने ये कढ़ाई रखी है। इस कढ़ाई में हम एक चम्मच बटर डाल लेते हैं। बटर को पिघलने देते हैं। बटर के पिघलते ही इसमें हम एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। उसी के साथ लेंगे 5 लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च। अब प्याज के गुलाबी रंग का होने तक हम सारी चीजों को बीच बीच में चलाते हुए सौटे करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखकर ही करेंगे, जिससे प्याज कच्चा नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कि प्याज गुलाबी रंग का हो गया है, तो अब इसमें हम एक कप ब्रोकोली डाल लेते हैं। ब्रोकोली के मैंने टुकड़े करके अच्छे से धो लिया है। अब 30 सेकंड तक ब्रोकोली को भुनेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे आधा कप यानी कि 125 ml पानी। पानी डालने के बाद इस पर ढक्कन रखकर ब्रोकोली को पकाएंगे। बस 10 मिनट तक हमें ब्रोकोली को ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही ब्रोकोली पक जाएगी, ब्रोकोली का रंग बदल जाएगा, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाएगी। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, पकने के बाद ब्रोकोली का रंग बदल जाएगा, तो देखिए ब्रोकोली लाइट ग्रीन हो गई है। तो गैस की फ्लेम को बंद करके इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। अब ये पूरी तरह ठंडा हो चुका है, तो मिक्सचर जार लेकर इसे जार में ले लेते हैं। ब्रोकोली को पकाने के लिए हमने जो पानी डाला था उसे निकालना नहीं है, उसी के साथ ब्रोकोली को जार में लेना है। अब ये ब्रोकोली आलमंड सूप है, तो ब्रोकोली के साथ हमें आलमंड भी लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 बादाम को 10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगोकर उसका छिलका निकालकर तैयार रखे थे। इन्हें भी जार में डाल लेते हैं। अब हम सारी चीजों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए पेस्ट तैयार है। अब इसमें हम सूप के क्रीमी फ्लेवर के लिए 1/4 कप यानी कि 60 ml गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध मिलाएंगे और फिर से चर्न करेंगे। देखिए चर्न करने के बाद इसका कैसा क्रीमी टेक्सचर हो गया है, और हमें ऐसी ही पतली पेस्ट बनाना है। अब आगे की प्रोसेस के लिए फिर से गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ गैस पर मैंने फिर से ये कढ़ाई रख दी है। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और कढ़ाई में रेडी की हुई पेस्ट डाल लेते हैं। जार में थोड़ी पेस्ट छूट गई है, तो थोड़ा पानी मिलाकर जार में बची हुई पेस्ट को भी ले लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। सूप अभी भी गाढ़ा है, तो और एक कप पानी हम सूप में मिला लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर सूप में उबाल आने देते हैं। देखिए सूप का कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये सूप टेस्ट में भी उतना ही अच्छा लगता है। हमने इसमें क्रीम नहीं मिलाई, फिर भी बादाम और दूध की वजह से ये सूप टेस्ट में क्रीमी लगता है। सूप में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच बटर डाल लेते हैं और चला लेते हैं। ये सूप ना तो ज्यादा गाढ़ा होता है, ना ही ज्यादा पतला। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें सूप की रखनी है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सूप को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप भी बेहद ही टेस्टी और क्रीमी ब्रोकोली आलमंड सूप को जरूर ट्राई करें। और आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।